अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा पहला चैनल था मोहम्मद दिलावर वाला, जो कि उसका जो एडिशन है वो ब्लॉक हो चुका है। क्यों ब्लॉक हो चुका है? मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों ने उस चैनल पर रिपोर्ट्स की थी, हालांकि वहाँ पर मैंने एक अपग्रेडेड गैस पोस्टिंग का कोर्स है वो अपलोड किया था, और आप लोगों ने माशाल्लाह से इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं अब एक न्यू चैनल बनाने जा रहा हूँ, और उस चैनल पर उससे भी अपग्रेडेड कोर्स, मीन कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, हालांकि वो भी हमारा अपग्रेडेड कोर्स था, लेकिन आपके फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि क्लियर होने वाले थे। तो इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए गैस पोस्टिंग का प्रो कोर्स, जिसमें आपके सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारे कोर्स की पहली वीडियो है, व्हाट इज गैस पोस्टिंग, गैस पोस्टिंग क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर गैस पोस्टिंग की बात की जाए तो गैस पोस्टिंग के 3 से 4 नेम है। आप इसको गेस्ट ब्लॉगिंग भी बोल सकते हैं, गैस पोस्टिंग भी बोल सकते हैं, GBOB भी इसी का ही नाम है। तो आप और लिंक बिल्डिंग भी इसी को ही कहते हैं। आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इस चैनल पर अब आपको मिलेगी इसकी कंप्लीट वीडियोस। आप लोगों ने इन वीडियोस को 2 से 3 बार वॉच करना है। जैसे ही आप वॉच करेंगे तो आपने फिर इसको साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना है। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 1 मंथ के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप भी गैस पोस्टिंग में प्रो हो जाएंगे। तो ये हमारा जो 10 से 12 वीडियोज का कोर्स है, ये आपने कम्प्लीट वॉच करना है, अगेन एंड अगेन वॉच करना, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और इन वीडियोस को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि जितने भी लोग हैं जो अर्न करना चाहते हैं डॉलर्स, वो इससे बासानी डॉलर्स अर्न कर सके। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की जानिब कि गैस पोस्टिंग है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है गैस पोस्टिंग की। तो ये हम आपके लिए प्रो कोर्स लेके आए हैं कि कैसे आप लोगों ने गैस पोस्टिंग में प्रो बनना है। आपने बहुत सारे मेंटोर्स की वीडियोज देखी होंगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा, तो हम भी आपको वही सिखाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इस कोर्स को प्रो कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इस कंप्लीट कोर्स को वॉच करने के बाद अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर गैस पोस्टिंग की, कि गैस पोस्टिंग बेसिकली है क्या। अगर बात करें गैस पोस्टिंग की, ये बेसिकली है क्या, गैस पोस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग अ कंटेंट ऑन अनदर वेबसाइट। मीन के गैस पोस्टिंग की ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। गैस पोस्टिंग एक एक्ट, एक्ट मीन कला है क्या, राइटिंग लिखने की और पब्लिशिंग। गैस पोस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग। गैस पोस्टिंग एक एक्ट है, कला है किसकी, लिखने की और पब्लिश करने की, क्या कंटेंट और कहां पर, अनदर वेबसाइट। मीन के हमने पहले एक कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। हमने एक आर्टिकल लिखना है और पब्लिश करना है, लेकिन गैस पोस्टिंग में हमने सिर्फ उस आर्टिकल को क्या करना है, पब्लिश करना है। सबसे इजी वे है ये डेफिनेशन का, ठीक है। अब अगर बात कर लीजिए कि ये सब फील्ड है, अब ये सब फील्ड किसकी है, ये सब फील्ड है SEO की। अब ये SEO क्या होता है, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? देखिए, हमने ना गूगल के सर्च इंजन में अपने वेब पेजेस को रैंक करवाना है। आपने सिंपली, मैं भी बोलता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम वेबसाइट रैंक करवाते हैं, या SEO का मतलब होता है वेबसाइट रैंक करवाना। एक्चुअली में होता क्या है, आप हम ये सुनते हैं कि वेबसाइट है, इसको हमने क्या करवाना होता है, रैंक, ठीक है। असल में वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेब पेजेस रैंक होते हैं। अब ये वेब पेजेस क्या होता है, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के बहुत सारे पेज होते हैं। आपने उसका होम का भी पेज देखा होगा, आपने उसका कॉन्टेक्ट का भी पेज, आपने उसका अबाउट अस का भी पेज देखा होगा। अब ये सारे वेबसाइट के पेजेस हैं। अच्छा, जब वेब पेजेस रैंक होते हैं तब वेबसाइट रैंक होती है। डायरेक्ट हम ये बोलते हैं कि हम वेबसाइट रैंक करवाते हैं, नहीं, वेब पेजेस रैंक होते हैं। जब वेब पेजेस रैंक होंगे तो वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि हमने वेब पेजेस को गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवाना है, ये SEO है। अब अगर बात कर लीजिए टाइप्स ऑफ SEO, आगे इसकी 2 टाइप्स हैं। वैसे तो इसकी ऑन पेज SEO होता है, ऑफ पेज SEO होता है, टेक्निकल SEO और लोकल SEO। अगर बात कर लीजिए सबसे पहले ऑन पेज SEO, ऑन पेज SEO में हम, अगर पहला पॉइंट है वह URL। अब ये URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, एक मैंने अभी वेबसाइट ओपन की हुई है docs.google.com, ठीक है, ये एक मैंने वेबसाइट, अब ये वेबसाइट, इसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं, और ये हमारा URL भी है। URL के ऊपर काम होता है ऑन पेज में, ऑन पेज में हमने वेबसाइट के URL पे काम करना होता है। सेकंड कंटेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, इमेज सबमिशन भी आ जाता है,
लेकिन मेन मैं दो रोल बता रहा हूँ कि आपको हाउ ना होनी चाहिए कि आखिर हम अगर गेस्ट होस्टिंग करने जा रहे हैं तो ये सब फील्ड किसकी है और उसमें क्या क्या आ जाता है। अगर कंटेंट की बात कर ली जाए, कंटेंट मैंने बोला कि वेबसाइट के ऊपर जो मवाद होता है या वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं या कुछ भी हम राइड कर रहे हैं उसको कंटेंट बोलते हैं। इसके ऊपर काम होता है और यूआरएल के ऊपर काम होता है, इन दो चीज़ों का काम होता है ऑन पेज पे। ठीक है, ये पॉइंट अब हो गया क्लियर। अब आ जाए ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स पे काम करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग में और लिंक बिल्डिंग में। ठीक है, हमने ऑफ पेज में अपनी वेबसाइट के बाहर काम करना होता है, दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक बिल्डिंग करनी होती है, गेस्ट पोस्टिंग करवानी होती है और साथ साथ बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। अब सबसे पहले अगर बात कर लीजिए दोबारा गेस्ट पोस्टिंग की, गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। गेस्ट पोस्टिंग का सिंपल मतलब मैंने आपको बताया है कि हमने एक कंटेंट, एक आर्टिकल है, उसको क्या करना, राइट करना और पब्लिश करना है किसके लिए, अनदर वेबसाइट। ठीक है, ये सिंपली गेस्ट पोस्टिंग की डेफिनेशन है। और अगर हम बात कर लीजिए, फर्ज कर ले कि दो वेबसाइट है, सही है, एक वेबसाइट ए है और एक वेबसाइट बी है। फर्ज कर लो ये वेबसाइट एक ए है और ये वेबसाइट बी है। ठीक है, हमारे पास दो वेबसाइट है। अभी के लिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपने माइंड में सिर्फ इतना रखना है, ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट ए, ये गूगल पर क्या कर रही है, रैंक कर रही है। रैंक क्या कर रही है, फर्ज कर लो हमने कोई भी चीज सर्च की है, हमने कोई भी चीज सर्च की है, ठीक है, गूगल के पहले पेजेस के ऊपर, गूगल के पहले पेजेस के ऊपर जो वेबसाइट्स आती हैं वो रैंक की हुई वेबसाइट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक क्या होती है कि जो लोग उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, फर्ज कर लो आप अगर मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो अगर एक बंदा वॉच करेगा तो एक व्यू आएगा। वैसे ही जो जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इतने बंदों ने हमारी जो वेबसाइट है वो देखी है, वॉच की है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। अब ये मंथली चेंज होती है। ठीक है, अब ऐसी वेबसाइट जिन जो गूगल पर रैंक कर रही है उनकी ट्रैफिक ये भी मिलियंस में होगी, जरूरी नहीं मिलियंस में हो, मीन के ये के मीन थाउजेंड में भी हो सकती है। ठीक है, और उनका जो डीए है, उनका जो डीए है ये 25 प्लस होना चाहिए, डीआर जो है ये भी 25 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और आगे बस ये फिलहाल इतना ही है, आप लोगों ने सिर्फ माइंड में रखना है कि जो डीए और डीआर ये 25 प्लस होना चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स अच्छी वेबसाइट्स होती है। अब अगर बात कर ली जाए गेस्ट पोस्टिंग की, अब ये एक वेबसाइट है, ये न्यू बनी है या इसको ट्रैफिक की जरूरत है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल क्या है, लो है। ठीक है, अब इस वेबसाइट में रैंक होना है, ये वेबसाइट, अब इसने एक चीज ख्याल रखना है कि कैटेगरी रेलिवेंट होनी चाहिए। वो कैसे, फर्ज कर लो अगर इसकी कैटेगरी हेल्थ की है, ठीक है, तो इसकी कैटेगरी भी वेबसाइट ए की भी हेल्थ की ही होनी चाहिए। क्यों, अगर इसकी कैटेगरी स्पोर्ट्स की है तो इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो स्पोर्ट्स वाली होगी। जैसे कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप कुछ सीखने हैं, स्किल सीखने हैं, यहाँ पर आपको कोई और कंटेंट तो मिलेगा नहीं। वैसे ही अगर आप वेबसाइट हेल्थ की है तो उसके ऊपर हेल्थ की ही ट्रैफिक होनी चाहिए। फर्ज कर लो अगर हमारी क्लाइंट की वेबसाइट हेल्थ की है, ठीक है, तो हमने जो उसका लिंक है वो ऐसी वेबसाइट के ऊपर लगाना है जो कि हेल्थ की होगी। हमने गेस्ट पोस्टिंग में, मैंने अभी आपको बताया, गेस्ट पोस्टिंग में हमने एक जो आर्टिकल है उसको लिखना है और एक पब्लिश करना है किसके लिए, एन अदर वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट के लिए, हमने अपनी वेबसाइट के लिए तो नहीं करना। ये फर्ज कर लो ये हमारा क्या आ गया, क्लाइंट। ठीक है, इसको हम क्लाइंट का नाम दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं एडमिन का नाम। ये इसको क्या नाम देते हैं, एडमिन। ठीक है, ये हमारा एडमिन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसको ट्रैफिक की जरूरत है, ये न्यू वेबसाइट, इसमें रैंक होना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस रैंक होने के लिए ये एक अपना आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करवाएगा। ठीक है, आर्टिकल ये लिखेगा कौन सा, हेल्थ का। क्यों, क्योंकि इसकी कैटेगरी हेल्थ की है, जब इसकी कैटेगरी हेल्थ की है तो ये एक हेल्थ का आर्टिकल राइट करेगा और इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवा देगा। क्यों करवाएगा इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट, ये इसलिए पोस्ट करवाएगा क्यों, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है ये गूगल पर पहली बार रैंक कर रही है, इसकी ट्रैफिक अच्छी है, इसका डीए डीआर अच्छा है। ठीक है, मीन के ये गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही है, इसके ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक है। जैसे ये वाली वेबसाइट यहाँ अप पे अपना आर्टिकल पोस्ट करवाएगी, उस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेगी। जैसे ही वो अपना लिंक इधर पेस्ट करेगी तो यहाँ पर जैसे मिलियंस लोग इधर आ रहे हैं, यहाँ पर तो मिलियंस लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो इस वेबसाइट को वॉच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर लोग आएंगे, इस वेबसाइट का आर्टिकल अगर पोस्ट हुआ होगा, जब वो आर्टिकल को ओपन करेंगे, चलो मिलियंस लोग नहीं, हजारों लोग तो इसके इस आर्टिकल को ओपन करेंगे ना, अब उसमें लिंक किसका लगा, इस वेबसाइट का। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करवाया
और उस आर्टिकल में किसी भी कीवर्ड में अपना लिंक लगा दिया। अब जैसे ही लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे, तो यहाँ से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लोग गैस पोस्टिंग करवाते हैं कि वो ट्रैफिक जनरेट कर सके। जाहिर सी बात है, अगर इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, जब इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ गई, यहाँ से ट्रैफिक इधर आ गई, तो जो इसकी ट्रैफिक इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, इसका डीए भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका डीआर भी। अब ये क्या चीजें, ये हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने कहना कि जो वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है उनकी ट्रैफिक अच्छी है, डीए 25 प्लस होना चाहिए, डीआर 25 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, अगर तो ये कोई प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है, फर्ज कर लो अगर ये कोई शर्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो जब ये अपना आर्टिकल इधर पोस्ट करेगी, फर्ज कर लो ये कोई भी क्लॉथ वाली वेबसाइट है, कपड़ों वाली वेबसाइट है, अब जब ये अपनी कुछ टी शर्ट समझ लो या शर्ट समझ लो ये अपनी यहाँ पर सेल करना चाह रहा है, तो जब ये अपनी गैस पोस्टिंग करवाएगा, लिंक बिल्डिंग करवाएगा, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक लगा होगा तो लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, वो इसको थोड़ी करेंगे, जब यहाँ पर इसका लिंक लगा होगा तो यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट कहाँ, इसकी वेबसाइट पर लैंड कर देंगे। अब वो यहाँ पर आके टी शर्ट बाय करे ना करे, जो भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो करे या ना करे, लेकिन इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। मेन गैस पोस्टिंग में हमारा मकसद यही होता है कि हमने अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी गैस पोस्टिंग, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि सर इसमें हमारा क्या रोल होगा, अब मैं इसको इसमें अपना रोल बताता हूँ कि इसमें हमारा रोल क्या होगा। ये चीजें तो आपको कवर होगी कि रेलिवेंस होना जरूरी है, अगर हमारे क्लाइंट की जिस कैटेगरी की वेबसाइट है तो उसका जो आर्टिकल है उस कैटेगरी के रिलेटेड हम लिखेंगे, और उसी कैटेगरी के रिलेटेड दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो पोस्ट कर देंगे। अब फर्ज कर लो सर इसमें जो हमारा रोल है वो क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। फर्ज कर लो कि ऐसी वेबसाइट्स की सबसे पहले हमने क्या करनी है, लिस्ट तैयार करनी है, कौन सी वेबसाइट पे जो गूगल पर रैंक कर रही है, ठीक है, इनकी हमने फर्ज कर लो लिस्ट तैयार कर ली। वो लिस्ट कैसे तैयार करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ आपने यही ध्यान में रखना है ऐसी वेबसाइट जिनकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी है, डीए और डीआर 25 प्लस है, ऐसी वेबसाइट्स की हमने लिस्ट तैयार करनी है, पर हर कैटेगरी की करनी है। फर्ज कर लो कैटेगरी कौन सी, सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स की भी इसमें लिस्ट में ऐड करनी, साइट्स हेल्थ की भी करेंगे, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी की भी करेंगे, पेट्स की भी करेंगे, ट्रैवल की भी करेंगे, ठीक है। ये हमने कुछ कैटेगरीज हैं, इनको हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लिस्ट तैयार कर ली, अब क्या फर्ज कर लो एक क्लाइंट है, अब इसने गैस पोस्टिंग करवानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि हमने जब ये लिस्ट तैयार करनी है तो हमने इनको इनके साथ रेट फिक्स कर लेना। अब अच्छा एक चीज और है, वो ये है कि जब ये जो क्लाइंट है वेबसाइट भी ये क्लाइंट है, जब ये अपना एक आर्टिकल राइट करेगा, आर्टिकल इसने लिख के देना है, हमने आर्टिकल राइट नहीं करना है, इसने हमें आर्टिकल देना है, हमने यहाँ पर पोस्ट करवाना है। कैसे करवाना है मैं बताता हूँ, फर्ज कर लो इसने एक अपना आर्टिकल लिखा और यहाँ पर पोस्ट करवा दिया, अब यहाँ पर पोस्ट करवाने के कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है, वो जो चार्जेस होंगे वो डॉलर में होंगे, ठीक है। ये बंदा पैसे लेगा इस वेबसाइट से कि ये अपना आर्टिकल इधर पोस्ट करवा सके, मीन कि ये पोस्ट करने के पैसे लेगा, ठीक है, ये बात कन्फर्म है। जो गैस पोस्टिंग है वो हमेशा पेड होती है, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी अब आपकी। अब हमने करना क्या है, ठीक है, ये अब डायरेक्ट तो इधर नहीं जा सकेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लाइंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं जाएगा वो मैं बाद में बताता हूँ, एक पॉइंट है वो आपने समझना, इसमें हमारा क्या रोल होगा। हमने अब फर्ज कर लो इस वेबसाइट का एक आर्टिकल इधर पोस्ट करने के लिए $100 लेता है, कितने लेता है, $100 लेता है ये एक आर्टिकल पोस्ट करने का, ठीक है। अब हमने इस वेब ऐसी जब लिस्ट तैयार करनी है तो उनने ऐसी वेबसाइट्स डालनी है जो गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रही है, ठीक है। अब जब फर्ज कर लो इस वेबसाइट का $100 रेट है, हमने इसको बोला, हमने बार्गेनिंग की कि नहीं यार आपका रेट ज्यादा है, मुझे कंसेशन चाहिए, मुझे रेट कम करो। अच्छा अब इसको एक दो हम लाइनें लिखेंगे, आइए मैं रीसेलर, मैं काम ये करता हूँ, मुझे काफी देर होगी ये काम करते, आप अपना रेट, अच्छा ये करेगा $80 कर देगा, फिर हम इससे और कंसेशन करेंगे। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, हम कंसेशन करते हैं, हम अच्छी बहुत ज़्यादा कंसेशन करते हैं कि हमें कम से कम रेट मिले। देखिए अगर हमारी कोई शॉप है, ठीक है, अगर हम कंसेशन किसी कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम कंसेशन करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब हम उधर से चीज़ बाय करके अपनी शॉप पर लेके आते हैं तो हम उसको अच्छे दाम में सेल कर सके, जितनी ज़्यादा कंसेशन हम ऊपर से करवाएंगे उतने ज़्यादा मार्जिन में हम अपनी चीज़ सेल कर सकें। फर्ज कर लो मैं मुझे एक चीज़ $50 में मिली है,
तो मैं उसकी अगर उसने मुझे मेरे से $100 मांगा, मैंने $50 में रेट फिक्स करके वो चीज़ अपनी शॉप के ऊपर ले आया। अब क्या किया मैंने उसको $100 में सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा उसके पास भी जाएगा वो 100 ही बताएगा सबको, मेरे पास आएगा मैं भी 100 में सेल करूंगा, अगर मैं $80 में भी सेल करूं तो फिर भी मुझे $30 बच रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? वही चीज यहां पर है, जब हम कंसेशन कर करके ये हमारे पास आ जाएगा $50 के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कंसेशन की है। अभी जो आप सोच रहे हैं ना कि सर ये खुद भी तो इधर जा सकते हैं, खुद भी तो कंसेशन करवा सकते हैं, नहीं, वो कैसे? इस कंप्लीट प्रोसीजर को 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 डेज लगेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले मेल करना कि हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। से पहले तो हमने लिस्ट तैयार करनी है, फिर हमने इनसे बात करनी है, बात करके बार्गेनिंग करनी। अब क्या क्लाइंट, फर्स्ट कर लो, क्लाइंट के पास इतना टाइम होगा? नहीं होगा। वो अपना दिमाग यहाँ पर क्यों लगाए, क्यों खर्च करे कि यार कम करो कम? उसको पता है कि मार्केट में कौन रीसेलर बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट तैयार की हुई है, रीसेलर बैठे जिन्होंने लिस्ट तैयार की हुई है, जिनके पास अच्छी वेबसाइट्स है, कौन सी अच्छी वेबसाइट है जो गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रही है, ठीक है। अब क्लाइंट को क्या जरूरत है डायरेक्ट इसके पास? अगर क्लाइंट इसके पास डायरेक्ट जाता है तो ये इसको भी तो $100 ही बताएगा। इसको $100 क्यों बताएगा? क्योंकि ये वेबसाइट का मालिक है, इसके पास तो डेली लाखों लोग पूछने आते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग, ये सबको $100 ही बताएगा। वो डिपेंड करता है कि हम उसको बार्गेनिंग करके कितना कम लेके आते हैं, ठीक है। हम मार्केट में भी तो करते हैं ना कि रेट कम करो, रेट कम करो, ज्यादा है ज्यादा है। जितना हम रेट कम करवाते हैं, हम घर पे आके उतनी, अगर हमारी शॉप है, हम उतनी ज्यादा दामों में वो चीज सेल कर सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, समझ रहे हैं बात को? अब ये जब डायरेक्ट जाएगा तो ये इससे भी $100 मांगेगा। अब इसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, हमने तो 2 से 3 दिन लगा लिए कि हम इसका जो रेट है वो कम करवाने में। अब ये अगर फर्ज कर लो, अब ये अगर हमारे पास आते हैं, हमारा रोल समझ आ गया, हमारा रोल कौन सा है? रीसेलर वाला। हमने पहले लिस्ट तैयार करके रखनी है, फिर हमने क्लाइंट की तरफ जाना है। क्लाइंट आ गया, उसने कहा, कह दिया हम मुझे स्पोर्ट्स की वेबसाइट चाहिए, और हमारे पास स्पोर्ट्स की वेबसाइट $50 में है। हालांकि हमारी जो बार्गेनिंग है वो कितने $100 रेट बताया था, $50 में हमने फिक्स कर लिया हुआ रेट, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन है, क्लाइंट डायरेक्ट जाएगा तो उसको भी $100 बताएगा। अब मार्जिन क्या, अगर हम इसको $80 भी बताएं, ठीक है, ये कहेगा अब डायरेक्ट जाएगा तो ये इसको $100 में पड़ेगी यही पोस्ट, ठीक है। अब ये $80 हमने बताया, इसने कहा कंसेशन करो, हमने $70 कर दिया, $10 लेस करके इसको खुश कर दिया। हमारा रेट क्या था? $50। हमने इसको कितने में? $70 में सेल की, कितना? $20। $20 हमने एक पोस्ट लगाने के बचा लिए। $20 का मतलब है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 6,000 रुपए, ठीक है। वो हमने सिर्फ एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करवाने के ले लिए। हमारा क्लाइंट भी खुश, क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट अगर डायरेक्ट यहाँ पर जाता तो ये इसको $100 ही बताता, और इसके पास तो टाइम होना नहीं था, ठीक है, कि ये बार्गेनिंग करता, ठीक है। ये हमारे पास आया, हमने क्लाइंट को भी खुश कर दिया $70 में दे के, डायरेक्ट जाता तो $100 पे करना पड़ते, और हमने भी $20 कमा लिए। ये है गेस्ट पोस्टिंग, कि हमने ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट तैयार करनी है और इनके साथ पहले डील डन करके रखनी है। क्लाइंट जिस मर्जी कैटेगरी का आ जाए, हमारे पास सब कैटेगरी की वेबसाइट्स होनी चाहिए, वो भी डील डन के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि गेस्ट पोस्टिंग का मेन मतलब क्या। अब अगर बात कर लीजिए कि सर पेमेंट, देखें अब दो बातें, दो पॉइंट है ये क्लियर करने हैं। सबसे पहले कि ये जो वेबसाइट वाला है, वेबसाइट डी, ये जो क्लाइंट है, ये हमें पहले पे करेगा, और ये जो एडमिन है, जब हमने क्लाइंट का आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया, हमने फिर अपने क्लाइंट को कहना चेक कर लो आपका आर्टिकल पोस्ट हो चुका हुआ है। हमारा जो क्लाइंट है वो जब चेक कर लेगा, उसके बाद ये जो वेबसाइट ए वाला है, जिसको हमने किसका एडमिन का नाम दिया था, ये जो एडमिन है, इस वेबसाइट का मालिक है, ठीक है, ये हमें हमसे 2 दिन बाद, पोस्ट करने के 2 दिन बाद पेमेंट लेगा, लेकिन हमने क्लाइंट से एडवांस ले लेनी है। मीन के इसमें कोई भी स्कैम नहीं है, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाली स्किल है, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना सर जीरो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाली स्किल है, और ये प्रॉपर सिक्योर मेथड है कि पहले हमने क्लाइंट से पैसे चार्ज कर लेने, एडमिन को 1 या 2 दिन बाद देने जब हमारा आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि सर इसमें हमें क्या क्या क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट हमें एक आर्टिकल प्रोवाइड कर देगा, आर्टिकल क्लाइंट देना। अगर क्लाइंट कहता है कि आर्टिकल आप खुद लिखो, ठीक है, हम उसके अलग से चार्ज कर लेंगे, इसमें भी हमारा बेनिफिट है। फेसबुक पे हम पोस्ट करेंगे कि मैंने एक आर्टिकल लिखवाना है, जिस मर्जी कैटेगरी का हो, लोग 1,000-2,000 में आपको आर्टिकल लिख देंगे, हमने उसका भी क्लाइंट से $10 to $20 चार्ज कर लेना, 2 से
3,000 हमने चार्ज कर लेना, $1,000 में पाकिस्तानी आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा जाता है, ठीक है। ये भी आपका मसला क्लियर होगा, सर अगर आर्टिकल लिखना पड़ गया तो क्या करेंगे, क्लाइंट हमें एक आर्टिकल देगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट का URL दे देगा, क्योंकि हमने आर्टिकल में किसी भी लिंक लगवाएंगे, ठीक है। लिंक क्यों लगाना है मैंने बता दिया कि जब इस वेबसाइट के ऊपर इस वेबसाइट का लिंक लगा होगा तो ट्रैफिक इधर से इधर जाएगी ना, ठीक है, लिंक के थ्रू जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है इसकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, गूगल एडसेंस से भी इसने पैसे कमा लेने हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है। हमारा क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, हम भी, इसने हमें अपना एक आर्टिकल दे देना है, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हमने इसी आर्टिकल को वैसे ही फॉरवर्ड इस वेबसाइट को कर देना कि अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करा दो, पोस्ट करवा के वो एक लिंक सेंड करेगा जिसको लाइव लिंक बोलते हैं, ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो लिंक हमने क्लाइंट को सेंड कर देना कि ये आपका जो आर्टिकल पोस्ट हो चुका है, हमारा क्लाइंट भी कुछ, हम भी कुछ, हमने भी अराउंड अबाउट एक ही मीन कि अब ये नहीं कि हमने $20 बचाने हैं, हम अच्छा खासा मार्जिन भी बचा सकते हैं, इधर से भी आप हजारों लाखों डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोगों ने इसको वीडियो को बार बार वॉच करना है, मेरे ख्याल से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियोज में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।